हेलो एवरीवन, हाय। तो मैं हूँ रागिनी और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तिशा घर संसार में। गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी पोएम, जो कि मेरी फर्स्ट पोएम है और आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो मैंने इस पोएम को लिखा था रात को 1:05 पे, मैंने इसे लिखना स्टार्ट किया था और रात के 1:30 में या 22 पे मैंने इसको एंडिंग किया था। मैंने बुक में लिखा है वो, और बहुत लड़कियों की फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, आप समझ सकते हैं। और मजाक मत उड़ाइएगा, अगर आपको पसंद नहीं आए तो प्लीज़ मजाक मत उड़ाइएगा। पसंद आए तो लाइक और नहीं पसंद तो डिसलाइक, बट मजाक मत उड़ाइएगा। और बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो कमेंट करिए, उससे भी ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। शेयर किसके साथ करेंगे यार? दोस्तों के साथ करिए, फैमिली के साथ करिए, सिस्टर के साथ करिए, जिससे बन जाए उसके साथ करिए। अगर पसंद आए बहुत ज़्यादा तो शेयर करिए, और इमोशनल लगे तो यार कमेंट करिए। और क्या बोलूँ मैं, बहुत लड़कियों की कहानी है, बहुत लड़कियों की, मतलब मेरी तरह नहीं बोलूँगी पर हर एक दूसरी लड़की की ये कहानी है जो पोएम मैंने लिखी है। बहुत लड़कियाँ कहती नहीं है, बताती नहीं है अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर को, अपने सिस्टर को, अपने फ्रेंड्स को, पर उनकी बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारी बातें होती हैं जो आपसे कहना चाहते हैं पर वो कह नहीं पाते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ होता है कि मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, उस टाइप पर मैं सोचती हूँ किससे शेयर करूँ किससे नहीं शेयर करूँ, तो क्यों ना मैं अपनी जो भी मेरी फीलिंग्स है उसको मैं एक बुक में लिख दूँ। तो मैंने ये चीज़ मेरे अंदर बहुत पहले से थी पर मैंने कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। तो मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे बोला, यार तो इतना अच्छा लिखती है तो शेयर क्यों नहीं करती है। मैंने बोली कहाँ शेयर करूँ, बुक लिख, मैं बड़ी बुक कैसे लिखूँ, इतना भी अच्छा नहीं लिखती कि मैं बुक लिख सकूँ। पर हाँ, अगर मैं शेयर करना चाहती हूँ तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, और ये मेरी वीडियो जितनी ज़्यादा लीक हो, वो मुझे ये बता सके कि लिखा हुआ जो है उसमें कहाँ मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक नहीं है, और क्या अच्छाई है, क्या अच्छाई नहीं है, वो सब कुछ। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं अपनी पोएम स्टार्ट करती हूँ। आई होप आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ सकती है, आएगी कि नहीं आएगी मैं ये श्योरली नहीं बोल सकती, पर आपको पसंद आ सकती है, क्योंकि और ख़ास करके लड़कियाँ जो शादीशुदा है उन्हें तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। बात करते हुए मैं पोएम को अपने स्टार्ट करती हूँ। तो पोएम के जो मेरी टाइटल है वो मैंने अपने लाइव चैट में आपको बता दिया था कि टाइटल क्या है मेरे पोएम का। टाइटल है कोई बताए दर्द कहाँ है। दर्द कहाँ है मतलब किसका दर्द? दर्द लड़कियों का जिनकी शादी हो चुकी है। क्या दर्द है? मायके का दर्द है, ससुराल का दर्द है, आदमी का दर्द है, बहुत दर्द है। कुछ पर्सनल है, कुछ पर्सनल नहीं है। तो ऐसे ही है, लड़कियों का दर्द है। कविता मेरी थोड़ी सी इमोशनल लग सकती है, शायद जो पहली बार सुने वो रो दे, क्योंकि इस कविता को मैंने इतने ज़्यादा बार पढ़ लिया कि अब तो रोना नहीं आता, लेकिन जिस दिन मैंने लिखा उस दिन और दूसरे दिन जब मैंने अपने फ्रेंड्स को या अपनी मम्मी को जब मैंने खास करके सुना उस दिन मैं रो दी थी। तो आई होप आपको पसंद आए बस, और इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ये किसी की कॉपी की हुई नहीं है, ये मेरी फीलिंग्स। कोई बताए दर्द कहाँ है, ये है मेरा टाइटल। एक मिनट, आवाज़ पे मत जाइएगा, मुझे पता है मेरी आवाज़ रानी मुखर्जी जैसी है। कमेंट्स आते हैं मुझे कि आपकी आवाज़ रानी मुखर्जी जैसी है, या मुझे पता है मेरी आवाज़ फटी ढोल है, या जो भी है, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, जो भी है वो मेरा है, जो भी आवाज़ है वो मेरी है। आपको पसंद है तो ठीक, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, बट आवाज़ पे मत जाइएगा। कविता पे ध्यान दीजिए ना, कविता सुननी है आपको, कविता पे ध्यान दीजिए, आवाज़ पे मत जाइएगा। इतनी भी बुरी नहीं है पर अच्छी है। तो जो पोएम है कुछ इस तरह के हैं। चली आई मैं पियर छोड़े, सोचा ससुराल में सुख पाऊंगी, माँ को छोड़ा, पापा को छोड़ा, सोचा सास ससुर को अपनाऊंगी, पर कभी नहीं थे वो अपने, ये क्यों कभी ना सोचा मैंने, माना उन्हीं को माता पिता, ये गलती क्यों किया मैंने, माँ तेरे आंचल की छाया क्यों मुझको कहीं नहीं मिलती, पापा ने जो दुलार किया उसके लिए मैं हूँ तरसी, आज रोया है बचपन मेरा, भीगी है मेरी आंखें, माँ मुझको तू फिर से अपने सीने से लिपटा ले, रोना चाहती हूँ मैं रो लूँ जब तक मेरा जी ना भरे, माँ मेरे दुख को तू फिर से क्यों ना कम करे, क्यों तरसी है मेरी आंखें पीहर का प्यार पाने को, समझा था मैंने जिसे अपना उसने ही मुझको दुख दिया, जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ आई उसी ने मुझको ना समझा, रोती हूँ मैं सारी रात अकेली किसी ने आंसू नहीं पोछा, माँ ले चल मुझको साथ तू अपने, हूँ मैं बहुत अकेली यहाँ, माँ ले चल मुझको साथ तू अपने, हूँ मैं बहुत अकेली यहाँ, माँ ले चल अपने साथ तू मुझको, हूँ मैं बहुत अकेली यहाँ। तो आई होप आप सबको ये मेरी कविता पसंद आएगी, और अगर आपको मेरी ये कविता, ये पोएम मेरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइए
कि आपको मेरी ये पोएम कैसी लगी, ताकि मुझे अपनी अगली पोएम अपलोड करने में, पोस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना लगे, वरना मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मैं अपनी अगली पोएम नहीं पोस्ट कर पाऊँगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी, तो इससे मुझे पता भी चल सकेगा किसने मेरी इस पोएम को देखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई पोएम, माई वीडियो। तो चलिए बाय, अब मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।